नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, कुछ दिनों पहले मध्यवर्ती जैन कलार समाज द्वारा पत्र परिषद का आयोजन किया गया था, जहां की उन्होंने बताया कि बांधकाम का जो है आरोप लगाया जा रहा है लीज खत्म होने के बाद भी, लेकिन उन्होंने इस वक्त इस बात का खंडन किया है कि हमने किसी भी प्रकार का बांधकाम नहीं किया। तो सिर्फ लीज खत्म होने के बाद जो दीवारें टूटी फूटी थी और जो जिस प्रकार से जो है रिनोवेट करने की जरूरत थी, वो हमने सिर्फ रिनोवेट किया है, लेकिन उसी बात का खंडन करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जैन कलार समाज के आजीवन सदस्य भूषण दड़वी। तो सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले हमारा सवाल यही है कि किस प्रकार से क्या है मामला और किस प्रकार से आप खंडन करना चाहेंगे, आखिर मामला क्या है? मेरा नाम भूषण दड़वी है, मैं आजीवन सभासद जैन कला समाज रजिस्टर नंबर 156N का हूँ। उसी प्रकार मैं मुख्य संयोजक जैन कला समाज अन्य निवारण संघर्ष समिति का मैं संयोजक हूँ। एक जो अभी परसों के दिन जो पत्र परिषद हुई, उसमें जो बताया गया कुछ पदाधिकारियों ने कि आरोपी बिन बुढ़ाचा है, तो बिन बुढ़ाचा आरोप ने आरोपी बिल्कुल बुढ़ाचा है यानी पुरावे के साथ है। आपको जानकारी बताना चाहता हूं मैं कि जो 28/8/2016 को चुना हुआ, उसके बाद नई कमेटी आई, उसके बाद इनको 28/11/2016 को इनको एक सचिव जैन कलार समाज इनको नागपुर सुधार प्रन्यास की तरफ से एक नोटिस आया था। नोटिस में यह बोला था कि आपको 52,49,070 रुपए दंड और ब्याज भरने का है और 31/12/2016 के बाद व्यापार उपयोग करू ने ऐसा उनको आदेश दिया था। और इन्होंने आदेश देने के बाद भी ये चीज को उन्होंने कुछ गौर नहीं किया। और इसकी जानकारी आपको बता रहा हूं, ये सब पेपर में आ चुकी है। युग धर्म है, विदर्भ चंडी का है, उसका टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो सब पेपर में आ चुकी है। ये इनको पूरी इनको जानकारी थी ये बात की, ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं थी करके, तो भी इन्होंने किए नहीं। उसके बाद इन्होंने चालू किया, इनको कम से कम वहां पे 1,01,00,000 ये है इनका है 1,21,32,000 रुपए इनको इनकम हुआ एक साल में हुआ। अब जब 1,21,00,000 रुपए उत्पन्न लिखा, देनगी नहीं है, ये देखो देनगी और उत्पन्न फर्क है। इसमें देनगी ने उत्पन्न करके लिखा, नहीं इनकम हुआ इनको, इन्हें किराए से दी इन्होंने। देने के बाद इन्होंने क्या किया कि जब ये 52 लाख भरना था, उसका लीज रिन्यू करना था और लीज रिन्यू करके उसका करना था, उन्होंने किए नहीं। उसके बावजूद भी इन्होंने क्या कि पीछे 70 लाख रुपए का संडास बाथरूम बना जो इनलीगल है, उसके लिए भी इन्होंने एनआईटी कारपोरेशन की परमिशन लिए, 2 बार इनको नोटिस आया और इनको अभी रिवाइज प्लान सैंक्शन हुआ और वो गिराने की अभी मोहब्बत आ गई। उसके बावजूद इन्होंने क्या किया अभी कुछ दिन पहले, उसके बाद इन्होंने और बुकिंग की इन्होंने। और आपको जानकारी बता रहा हूँ, ये जो बोल रहे हैं कि हम देनगी लेते हैं, जो सचिव ने बताया था कि देनगी लेते हैं, पर आपको जानकारी बता रहा हूँ, देनगी कभी वापस नहीं होती। इन्होंने देनगी इन्होंने 44,022,300 रुपए वापस की 19/20/21 कोविड का काल था। देनगी कोई वापस नहीं होती, इसका मतलब सारा सर किराया लेते हैं। और किराया भी कितना लेते हैं आपको जानकारी बता रहा हूं मैं, देखो ये किराया लेते हैं हॉल का लेते हैं 69,000 रुपए, इनका किताब है। उसके बाद दूसरी बात ये लेते हैं, माफ कीजिए आपको बीच में ही रोक रहा हूँ, लेकिन इसी समाज के जो है मध्यवर्ती जैन कलार समाज के जो पदाधिकारी है और साथ ही साथ अध्यक्ष शेखर आगमाने का कहना है कि ये सिर्फ हमारा ही मामला नहीं है, तो शहर के ऐसी कई 82 संस्थाएं हैं जिनका यह प्रॉब्लम आ रहा है। 2021 के बाद उनकी लीज कोविड के वजह से रिन्यू नहीं हुई है, या कोविड या किसी अन्य प्रॉब्लम की वजह से रिन्यू नहीं हुई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरासर झूठ है, लीज रिन्यू हुई है। हमने जो ली है, हम जब थे तो हमने 1991 से लेके 1921 तक लीज रिन्यू की है। ये लीज का कागज आपके पास बता रहा हूं मैं, इन्होंने अगर पैसे भरते तो लीज 100% रिन्यू होती थी। ये जो कागज है, उस समय जो रविंद्र दुरक्कर थे, भूषण दड़वे में था, विलास हरडे, आनंद राठौर, हमने लीज रिन्यू की। उस समय भी मामला कोर्ट में था, उस समय भी गिलानी का मामला था, तो भी हमने लीज रिन्यू की है। पर इन्होंने लीज रिन्यू नहीं किए, इन्होंने पैसे भरने की इनकी नियत ही नहीं थी पहले से, इसलिए वो लीज रिन्यू नहीं हुई। और लीज रिन्यू होने नहीं होने के वजह से इनको जो एनआईटी ने जो है अभी देखो ना, आपको जानकारी बता रहा हूँ ना, इनको ये अभी मेरे को जानकारी जो मिली मेरे को अभी 7/8/2023 को अभी की जानकारी है। इसने क्या है, सदर प्रकरणात 31/3/2021 अंतर लीज द्रुतीकरण केले नाही, भूखंडाचे वाटप अद्याय पूर्व झाले नाही, सदर प्रकरणात अद्याप दंडाची रक्कम भरली नाही। और आपको एक बात जानकारी बता, ये जो बता रहे हैं या भवनाला व्यवसाय उपयोग करण्यापासून नागपूर सुधार प्रन्यासिका कोर्टाने लेखी परवानगी दिली असं माहिती द्यावी, नागपूर सुधार प्रन्यासिका ह्या प्रकारची कोणत्याही प्रकारची परवानगी दिली नाही। वैसा जिन्होंने जो बांधकाम किए उसको नागपूर सुधार प्रन्यासिका परवानगी दी है ना कॉर्पोरेशन ने की,
और आपको जानकारी बता रहा हूँ, 1.5 करोड़ का काम जो होता है उसको कम से कम और 39 साल हो गए भवन को स्ट्रक्चर और ऑडिट करना पड़ता है। स्ट्रक्चर और ऑडिट नहीं किए, इन्होंने कॉर्पोरेशन की परमिशन नहीं ली, एनआईटी की परमिशन अपने मन से बना रहे, और ऐसा कोई भी ऐसा जो बता रहे कि टूट रहा था फूट रहा था, इन्हें ये लोग फोटो दिखा रहा आपको मैं, इसमें सब फोटो है, सब बना रहे हैं काम, ये लोग सब चीजें इसमें है पूरी, और कहाँ टूट फूट हो रहा, कहाँ स्लैब गिर रही, कुछ हो रहा कुछ नहीं हो रहा था, ये सब चीजें इसमें है, आपको जानकारी बता रहा हूँ। और हाईकोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी इन्होंने क्या किए कि वो छुट्टी का समय था, इन्होंने बांधकाम किए, इन्होंने उसकी फोटो है, इसकी शिकायत मैंने सकरदरा पुलिस स्टेशन में की है, पुलिस कमिश्नर को की है, एनआईटी के अधिकारी को की है, उसके बाद पुलिस जो सकरदरा पुलिस के निरीक्षक थे इन्होंने जो अध्यक्ष अपने नाम जो लिया उनका, इनको शांतता भंग होना नहीं चाहिए तो इनको नोटिस दिया। भूषण जी ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनका पैनल जीतने के बाद जो है वह आरोप लगाया जा रहा है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, और पॉलिटिकल स्टंट के चलते उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, मध्यवर्ती मंडल का कहना है। कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं, और जो आरोप लगा रहे मैं उसमें हाईकोर्ट में इंटरव्यू करके 2021 में हुआ, मैंने कोई चुनाव लड़ा नहीं, कुछ हुआ नहीं, मेरी एक ही है, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है समाज विजय पुरस्कार प्राप्त आदमी हूँ, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि अन्याय करना विषय अन्याय सहन करने वाला भारतीय संविधान घटना जो है अपनी, और ये जो BPT एक्ट के अंदर जैन कला समाज मध्यवर्ती मंडल है, धर्मदास आयुक्त में रजिस्टर है, उसको कायदे कानून है, और हमारे जैन कला समाज मध्यवर्ती मंडल के जो घटना उसमें लिखा है कलम 3 में कि राष्ट्रीय हिताचे काम करने, ये अगर महसूल डुबा रहे, ये अगर गवर्नमेंट का पैसे नहीं भर के नकाशे नहीं कर रहे, सरकार का नुकसान कर रहे हैं, ये तो राष्ट्रीय विरोधी काम हो गया ना, और वो राष्ट्रीय विरोधी काम इसलिए मैं नहीं होना चाहिए, और मैं भूखंड बचाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, ताकि अच्छा भूखंड बचाना इसलिए चाह रहा हूँ कि इनको ये आंखें खोलो को भूखंड का बचाओ, अरे भूखंड का श्रीखंड करके ये मलाई खा रहे हैं, और 7-8 साल में इन्होंने 7-8 करोड़ रुपए कमाए, उतना करोड़ों रुपए रहने के बाद ये जो बोल रहे हैं अभी आपके इसमें दिया, हम स्कॉलरशिप बांटते, कोई स्कॉलरशिप बंद कर दी 6-7 साल से, विद्यार्थी है, विद्यार्थी 6 विद्यार्थी है, कोई विद्यार्थी नहीं, और इन्होंने बोर्ड लगा के रखे बहुत बड़े बड़े, हमने ये चालू कुछ चालू नहीं, आप जाके देखो ये पूरा कमर्शियल बना के रखा है, और हमारा इसका विरोध है, और इन्होंने जो अभी इसके पहले माजी अध्यक्ष जो थे अनिल अहिरकर, इन्होंने कोर्ट में लिख के दिया था कि हम ये कोणताही व्यवसाय उपयोग करत नहीं, आम्ही फक्त ये करतो, तो फिर ये पैसे जो ले रहे हैं काय के ले रहे हैं। बहरहाल ये तो मामला है, लेकिन सवाल ये भी उपस्थित होता है कि यहाँ कहीं ना कहीं जैन कलार समाज की भी बदनामी हो रही है, तो आखिर आपकी मांग क्या है? नहीं, हमारी मांग एक ही है, जैन कला समाज की कोई बदनामी का सवाल नहीं आता, इन्होंने अगर 2016 में जब आए थे, इनके पास पैसा था, आपको जैसा बताया अभी 7-8 करोड़ रुपए है, जो एक करोड़ तो है, ये अगर 52 लाख रुपए भरते और अप्लीकेशन देते, ये बोलते हमने अप्लीकेशन दी तो अप्लीकेशन बताना चाहिए ना, कल आपकी पत्र परिषद हुई, एक भी कागज नहीं दिखा, जैसा मैं आपको सब कागज दिखा रहा हूँ, आपको पूरे A to Z कागज दिखा रहा हूँ, इन्होंने बताया जाए ना, और मैं तो ये बोल रहा हूँ आपके BCM चैनल से इनको चैलेंज कर रहा हूँ, अध्यक्ष सचिव को, ये एक टेबल पे ये बैठे, एक टेबल में मैं बैठता, और इन्होंने बताना चाहिए कि हमने लीज रिन्यूअल के लिए कागज दिए, हमने ये नहीं किया, जो उन्होंने अपने कागज बताए, मैं अपने कागज बताऊँ तैयार हूँ, अगर मेरी गलती रहेंगी तो मैं पूरे लोगों से माफी मांगने को दिलगिरी व्यक्त करूंगा, इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ मैं, और आपको जानकारी बता रहा हूँ, ये जो बता रहे हैं जैन कला समाज की बदनामी और समाज की, आपको बता रहा हूँ 1978 से लेके मंडल आयोग से लेके आज तक के मैं लड़ रहा हूँ, जो जानते हैं जैन कला समाज को OBC के लिस्ट में लाने के लिए महाराष्ट्र की लिस्ट में लड़ा, मैं सेंटर की लिस्ट में लड़ा, जो आज जरांगे पाटिल जो काम कर रहे हो तो मैंने कई साल पहले काम किया मैंने, और समाज के भले के लिए काम कर रहा हूँ मैं। दर्शकों जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं मध्यवर्ती जैन कलार समाज का ये जो मुद्दा काफी जोरों शोरों से उठ रहा है, उस समाज भवन का मुद्दा उठ रहा है, कई पॉलिटिकल स्टंट की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की सियासत का भी बात यहाँ की जा रही है। जिस प्रकार से पत्र परिषद का आयोजन 2 दिनों पहले मध्यवर्ती जैन कलार समाज के पदाधिकारी एवं अध्यक्षों द्वारा किया गया था, जिसका खंडन करने के लिए इस वक्त हमारे साथ भूषण दड़वी मौजूद थे, तो देखते हैं आगे इसका क्या असर पड़ता है समाज पर, साथ ही साथ जनता पर। खास रिपोर्ट के लिए देखते रहिए NBC News।